हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से आए आप, किस खुशी में कढ़ाई लेके आए आज माँ की? मेरी बेटी की ये दूसरी सफलता है माता के दरबार से। पहली सफलता उसने एक इम्तहान को बहुत अच्छे से निकाला था, अब दूसरा इसका बीटेक में YMCA में इसका बीटेक में एडमिशन हुआ है, वो भी आपके ही दरबार के आशीर्वाद से हुआ है, उसी के लिए मैं कढ़ाई लेके आया हूँ। तो बोलो जयकारा गुरु माँ अंजलि जी का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरी भद्रकाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। कितने टाइम से जुड़े हैं आप इस दरबार से? लगभग एक वर्ष हो रहे हैं और काफी। कितने काम बना दिए माने आपके? मेरे तो लगातार काम बनाती जा रही है और ऐसा लगता है कि आप दरबार की कृपा रही तो जल्दी जल्दी मैं किसी नतीजे में पहुंच जाऊंगा। चलो जी, बहुत अच्छी माता आपके दरबार में जितनी पॉजिटिविटी है माता के और इतनी ईमानदारी से इस दरबार में आदमी आता है और उसी ईमानदारी से माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। और मैं आगे माता से यही अनुरोध करूंगा, माता की कृपा मेरी बेटी पे रही और ये लगातार इंजीनियरिंग में भी टॉप करे जी। ताली बजा दो भाई सारे। मैं चाहूँगा कि जब ये पहले एग्जाम में टॉप करे तो माता के चरणों में फिर एक बार कढ़ाई चढ़ाएं जी। जरूर जी, उत्तर साइड होगा। जयकारा गुरु माँ अंजलि जी का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरी भद्रकाली माई का, बोल साचे दरबार की जय। तो बाबू जी ऐसे ही माँ रानी सबकी मनोकामना पूरी करती रहे, सब बच्चे ऐसी कढ़ाइयाँ चढ़ाते रहे और दरबार में आते रहे, माँ रानी सबकी मनोकामना ऐसे ही पूरी करती रहे। जैसे माँ रानी ने इनकी करी है, माँ सबकी मनोकामना पूरी करे और सच्चे भाव से आया करे बच्चे। मैं सब बच्चों को यही कहती हूँ, आप हमेशा सच्चे भाव से अगर दरबार से किसी भी दरबार से जुड़ते तो सच्चे भाव से जुड़े, सच्चे मनोकामना से करके आप दरबार में आया करें तो माँ रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। मेरी बेटी ने तो भाई बहुत दिल से आपको ये चाह रहा है।